पिताजी को सुलाने के बाद छुपी थी पर्दा से। अभी शाम का समय हो गया है, तो अभी मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। और दिन में मैं 3 बार चाय पी रही हूँ अभी, जिसकी वजह से मेरा ये चेहरा ना सूखता जा रहा है। लेकिन आज अदरक ख़त्म हो गई, तो ये लास्ट चाय है मेरी। अब इसके बाद मैं चाय नहीं पीऊँगी। नीचे वो अंकल अदरक बेच रहे हैं, लेकिन मैं लूँगी नहीं। अगर मैंने अदरक ले ली ना, तो फिर से मुझे चाय की लत लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं लूंगी अदरक। मैं दिखाती हूँ एक मिनट। तो गाइज ये देखिए, ये देखो गाइज, ये काका बेच रहे हैं, लेकिन मैं लूंगी नहीं। और फ्रेंड्स ये देखो, ये क्या टाइम पास कर रही हैं, भगोना कढ़ाई कुकर रख के वीडियो बना रही हैं। हाय शिल्पा, हाउ आर यू गाइज? बोरा आ गई है चाय के चक्कर में। हाय हाय हाय, बोराए गई हैं चाय के चक्कर में। बोराते तो आदमी लड़कियों के चक्कर में है, चाय के चक्कर में नहीं। तो फ्रेंड्स ये मेरी चाय खदक रही है, मैं अभी पीऊंगी। और मेरा लल्ला अभी सो रहा है। ओए तो गाइस देखिए, मेरे इधर भगोना कढ़ाई कुकर में खाना खाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स ये ना शाम का टाइम है, और शाम को मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते मुझे ध्यान में आया कि काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, तो क्यों ना आज शाम का ब्लॉग शूट कर लूँ। तो बस मन में आया तो शूट कर लिया, क्योंकि ना व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि लोग ना जो चेहरे पहचानते हुए हैं ना, उन्हीं को लोग देखना पसंद करते हैं। चाहे बेशक वो कुछ भी डाल दें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी मतलब इरिटेट भी कर दें ना, तो भी लोग उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पर ना शिल्पा कपड़ा फोल्ड कर रही थी, शाम का समय था और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, अभी 6 बज गए। तो शिल्पा कपड़ा फोल्ड कर रही थी, और इतनी तेज़ी से हवा चलती है कि दो दो चिमटी लगाओ तो भी डर लगता है कि कपड़े कहीं उड़ ना जाएं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कपड़े ही पहनते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पर कपड़े फोल्ड हो जा रहे हैं, और अब मुझे करनी है संध्या आरती। तो शाम का समय है, तो इसलिए मैं जल्दी से ये शिल्पा को बोला, मैंने कहा कि जल्दी से ये बर्तन धुल दो फटाफट से पूजा के, क्योंकि शाम को धुल के रख देते हैं तो कैसा इसका जो थोड़े से भी गीले होते हैं ना, प्रसाद वगैरह रखते हैं मिश्री या फिर जो भी प्रसाद में होता है रेवड़ी वगैरह, तो वो ना गीली हो जाती, तो इसकी वजह से धुल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। सुबह भी धुलती हूँ, शाम को भी धुलती हूँ। कोई कोई तो क्या बोलते हैं, सुबह ही धुल लेते हैं, शाम को नहीं धुलते हैं। कोई कोई एक दो माइनर लोग होंगे, बाकी तो सभी शाम को धुलते होंगे। तो यहाँ पर बर्तन धुल लेती हूँ फटाफट से। और आप लोग बताइए आपके इधर मौसम कैसा है? मेरे इधर तो ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। रात को ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है, और पंखा ना चलाओ तो मच्छर लगते हैं। तो यहाँ पर ये पूजा की तैयारी हो गई है, तो यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और मेरे जितने भी लाल कलर के दुपट्टे, पिंक कलर के थे, वो सारे गंदे पड़े थे, इसलिए मैंने ये वाइट कलर का ओढ़ लिया। लेकिन जब मैं ओढ़ती हूँ ना वाइट कलर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पूजा के टाइम। तो यहाँ पर
जल्दी से मैं तैयारी कर ली मैंने और अब करूंगी आरती। तो मैं आरती कर रही हूँ और शिल्पा आरती कर रही है फटाफट से। खुशबा जी आ चुके थे तो उन्होंने वीडियो शूट कर दिया था। सबसे ज़्यादा तो झंझट इसी चीज़ का होता है कि वीडियो ट्राइपॉड निकालो फिर लगाओ, तो इसलिए मेरा 2-3 बार तो मोबाइल गिर चुका है उससे, तो मुझे डर लगता है। तो यहाँ शाम का समय है, शिल्पा का खाना हो गया और खुशबा जी का भी खाना हो गया। अयांश खा रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको खिला देती हूँ। सब्जी है तो थोड़ी थोड़ी खा लेता है, ज़्यादा नहीं खाता है। तो अभी इसको प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी जो मोटी पिलो होती है ना वो लगाता था, तो उससे ना ये जो सामने दिख रही ना यही पिलो लगा लेता था, तो उससे ना इसकी नस टेढ़ी हो गई थी। तो फिर इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, 2-3 दिन दवाई चली इसकी, तब जाके वो नस ठीक हुई। और यहाँ पर शाम को हम लोग टहल कर आए थे और टहलने के बाद फिर हम लोग, शिल्पा ने दूध निकाला और अयांश भी रो रहा था दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर कान्हा जी को सुलाना है, क्योंकि जब शाम को सोने जाते हैं ना जब भी कान्हा जी को सुलाते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत सुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर दूध पिला के और शिल्पा सुला देंगी और फिर आगे देखिएगा क्या बात हुई है। तो गाइज ये देखो, कान्हा जी को सुलाने के बाद छुपी थी पर्दा से कि अयांश को दूध मुझे ना देना पड़े। चल अब तू ही देगी दूध, चल। कभी अयांश को दूध नहीं देती, चलो आप भर के दे बोतल। तुम दूध देती हो डिब्बे का और मैं मेरा देती हूँ स्वयं। चल 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 जा, 10 बज गए। अरे बाबा चल जल्दी जल्दी जा, कल अगर टहलने वो उधर चलना है तो फिर चल। नहीं जाना जो तारी की मैं करूँ कुछ तो फ्रेंड्स ये देखिएगा यहाँ पर फोन चल रहा है पिताजी और लल्ला का, तो पता नहीं कितनी जरूरी मीटिंग। चले जा, कल अगर टहलने वो उधर चलना है तो फिर चल। नहीं जाना जो तारी की मैं करूँ कुछ तो फ्रेंड्स ये देखिएगा यहाँ पर फोन चल रहा है पिताजी और लल्ला का, तो पता नहीं कितनी जरूरी मीटिंग चल रही है। ये देखो देखो देखो। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 10 और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? हालांकि काफ़ी दिनों बाद बनाया मैंने, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसकी वजह से। तो आज ये नाइट का रूटीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। खाना और बर्तन का इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है तो कभी भी लाइट आती है कभी भी जाती है, तो इसके लिए तो अब आगे से कंटिन्यू करूँगी। और शिल्पा सुला रही है कान्हा जी को, मैं भी सोने जा रही हूँ। अयांश को दूध दे दूँ, अयांश देखो एक्टिंग में लेटा अयांश की अभी 3 दिन की छुट्टी है तो इसलिए। और अगले ब्लॉग में जब भी अयांश का स्कूल चालू होगा तो मैं दिखाऊंगी अयांश को स्कूल से लाते हुए और भेजते हुए। तो मेरा पेट देखो, अभी हम लोग टहलने गए थे, ये ना 3-4 दिन की चाय पी पी के हो गया ऐसा, तो अभी इसको कम करना है। तो आज मैं टहलने गई थी, अभी फिर से डेली जाया करूँगी। तो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।